तो अभी कुछ घंटों पहले एक बहुत ही फ्रेश ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है फॉर द मूवी जो रिलीज हो रही है ऑन अमेजॉन प्राइम। तो अगर अभी तक आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डू गेट इट, बिकॉज बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही है ऑन अमेजॉन एंड ऑन नेटफ्लिक्स, Z5, तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छा स्टफ रिलीज हो रहा है। डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ द स्टफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया रिएक्शंस। मैं हूँ छाया एंड आज हम करने वाले एक बड़ा ही फ्रेश ऑफिशियल ट्रेलर फॉर द मूवी बेस्ट सेलर। ये मूवी में हमें नजर आएंगे मिथुन चक्रवर्ती, श्रुति हसन, अर्जुन बजवा, गौहर खान, सोनाली कुलकर्णी, सत्यजीत दुबे, टू मेनी स्टार कास्ट, बहुत ही ज्यादा इनके नाम हम जानते हैं, वी नो देयर एक्टिंग स्किल्स। स्टोरी बेस्ट सेलर है तो आई एम एज्यूमिंग टाइटल के हिसाब से ये स्टोरी कुछ बुक्स रिलेटेड स्टफ हो सकती है, बिकॉज बेस्ट सेलर टर्म हमेशा बुक्स के लिए ही यूज किया जाता है, नॉवेल्स के लिए होता है जब आप पब्लिश करते हैं एंड वो बिग हिट हो जाती है, तो दैट टाइम वी कॉल दैट राइटर एज अ बेस्ट सेलर और द बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो देखते हैं ये मूवी में क्या स्टोरी है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ताहिर वजीर एक बहुत ही इंडिया के फेमस राइटर थे जिनकी एक बुक रिलीज हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, हिट हो गई थी, बट ये चीज़ हुई थी 10 years ago। इस बीच में ही हैवेंट रिटन एनीथिंग, वी कॉल इट एज इन राइटिंग या ऑथर्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम उसे एक राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, जहाँ पे आपका माइंड आपको न्यू आइडियाज नहीं दे पाता है, जिसके लिए लोग कुछ टाइम का ब्रेक लेते हैं, सो कुछ जगहों पे घूमने जाते हैं सो डैट एक फ्रेश माइंड से वो लोग लिखना स्टार्ट करें, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इट टुक हिम 10 years। उसके बाद उनकी लाइफ में एंट्री करती है मीतू माथुर, जिन्हें गाइडेंस चाहिए फ्रॉम ताहिर वजीर, और वहाँ से ताहिर को आइडिया आता है कि ही कैन स्टार्ट राइटिंग अ न्यू स्टोरी जो मीतू माथुर से इंस्पायर्ड है। सो क्या है वो स्टोरी, वो देखने के लिए हमें तो ऑफिशियल ट्रेलर देखना ही होगा। एंड सेम टाइम पे पार्थ आचार्य जॉइंस हिम अलोंग विथ हिज वाइफ मयंका। मयंका एक एड फिल्म डायरेक्टर है और उसके कुछ खतरनाक प्लान्स है फॉर ताहिर वजीर। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सभी के नाम दिया हुआ है, बट आई एम एज्यूमिंग इस ताहिर वजीर का कैरेक्टर आई थिंक सो मिथुन चक्रवर्ती प्ले करेंगे। देन मीतू जो आई है उनकी लाइफ में फॉर द गाइडेंस, वो कैरेक्टर प्ले कर रही होगी आई एम एज्यूमिंग श्रुति हसन। एंड देन पार्थ एंड मयंका, पार्थ की वाइफ मयंका, मयंका का कैरेक्टर निभाया होगा गौहर ने, तो देखते हैं कितना सही जा रहा है कितना गलत। इस बीच में एक मर्डर मिस्ट्री भी आ जाती है, तो किसका मर्डर होता है ये भी देखना ज़रूरी है, या फिर अपने नॉवेल को हिट कराने के लिए ताहिर वाजिद ने खुद ने ही कुछ मर्डर प्लान किया होगा, सो डैट ही गेट्स अ कंटेंट एंड ही विल हैव येट अनदर बेस्ट सेलर नॉवल। तो उसी को सच्चाई को जानने के लिए ACP लोकेश एंटर करते हैं। लेट्स सी हु इज प्लेइंग ACP लोकेश का किरदार। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एंड विल क्विकली स्टार्ट विद द ऑफिशियल ट्रेलर। लेट्स सी ऑफिशियल ट्रेलर हमें डिसअपॉइंट ना करें। एक भी ओरिजिनल थॉट नहीं आ रहा है। वाना बी चेतन भगत, वाना बी स्टिल अ जीनियस। ओके, आई थॉट ही मिथुन चक्रवर्ती ताहिर वजीर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, एक दिन मैं भी बनूंगी ताहिर वजीर। प्लीज ताहिर वजीर, आई मेड अ मिस्टेक। हर स्टोरी कुड बी अ सीक्वल टू माय प्रीवियस बुक। आप कहानी लिख रहे हैं बस इन छोटों पे।
ये सब उस वजीर इस गॉड का काम है। सामने तो आई हो ट्रोल। जिस चीज से भी प्यार करता है ना, सब छीन लूंगा। पछताएगा ताहिर वजीर। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लोकेशन बरावान। वजीर इस गॉड कौन है? हमें नहीं पता वो कौन है क्या है। कि सर को डराने के लिए वो मुझ पे अटैक कर रहा। और सिर्फ तुम ही जानते थे कि वो वहां है और उस पर वहीं पर अटैक हुआ है। कभी कभी आपकी जिंदगी में लोग आते हैं, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल। पॉइंट सही था मेरा जो मैंने गेस किया था कि ताहिर वजीर को जब अपने सेकंड बिगेस्ट नॉवेल की तलाश में स्टोरी चाहिए थी, वो स्टार्ट तो कर लेते हैं मीतू की कहानी से जो श्रुति हसन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड उस नॉवेल की स्टोरी एक थ्रिलर वाला टर्न एंड ट्विस्ट देने के लिए एक मर्डर कर देते हैं एंड वो बॉडी श्रुति की ही दिखाई दे रही थी, विच मीन्स ही मर्डर्ड मीतू। एंड सिर्फ मेरा जो गेस वर्क था वो रॉन्ग हो गया कि ताहिर वजीर इज दिस वन, आई डोंट नो हिज नेम, हिज अर्जुन आई थिंक सो, एंड हिज वाइफ इज मयंका जिसका कैरेक्टर प्ले किया है गौहर ने। मिथुन चक्रवर्ती इज एसी लोकेश। मतलब वजीर इज डेड, अकेला नहीं खेल रहा है। कौन है बे तू? हमारे आसपास जो कोई भी है ना, सब टारगेट है टेमे। कोई कनेक्शन मिसिंग है हिस्ट्री और केस हिस्ट्री के बीच। ताहिर वजीर की कामयाबी के पीछे लाशों का ढेर। सुनाई पूरी पहले किस्त तो बाकी है। वो तो अब भी लिख रही। मुझे कहानी का एंड मिल गया। उठा ले साले को। सब ठीक हो जाएगा। हर कहानी का एंड हमेशा अच्छा ही होता है। He himself is planning to attack Meetu. और वो अपनी स्टोरी में उतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दे रहा है। इट सीम्स वेरी एविडेंट बट हो सकता है ऐसा ना हो एंड ये सब शायद गौहर कर रही हो। मे बी शी गॉट जेलिस या फिर शी वॉन्ट्स हर हस्बैंड टू गेट सक्सेस और इसलिए वो ये सारी चीज़ें प्लानिंग कर रही है। एंड ताहिर वजीर का इन सब से कुछ लेना देना नहीं होगा। टू हिज राइटिंग द स्टोरी ऑफ मीतू बट स्टिल There can be a possibility कि he is not doing all this stuff. काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेलर है, लग रहा है एकदम इंटरेस्ट से लेकर आ गया। तो जब ये मूवी रिलीज होगी आई एम गोइंग टू डेफिनेटली वॉच इट ऑन Amazon Prime. आई एम एक्चुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी सस्पेंस एंड थ्रिलर वाली मूवीज एंड नॉवेल्स के लिए। इनफैक्ट जब मुझे कोई नॉवेल मिलती है, बुक मिलती है जो डिटेक्टिव वाली हो या फिर सस्पेंस हो, थ्रिलर, आई मेक श्योर कि मैं वो कम्प्लीटली रीड कर दूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस अ सिंगल ट्विस्ट इन दैट बुक। तो ये मूवी मुझे उसी तरीके से अट्रैक्ट कर रही है एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। तो दिस इज़ इट फॉर द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ बेस्ट सेलर। तो अगर आपको भी ये ऑफिशियल ट्रेलर पसंद आए एंड ये वीडियो पसंद आए फॉर एनी रीजन, गिव इट अ थम्स अप। नीचे लाइक का बटन है, उसे लाइक जरूर करना, क्लिक जरूर करना। देयर इज अ सब्सक्राइब बटन, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड देयर इज अ बेल आइकन, डू हिट द बेल आइकन क्योंकि उससे सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बाय फॉर नाउ।